लोग कहते हैं भारत कितना संपन्न है, कितने आगे विकास कर चुका है। इन बातों को झुटला दिया जब समय न्यूज की नजर पड़ी एक बेघर रोजी रोटी के लिए नाच गाने गाकर बाजारों में अपने पेट पालते एक परिवार को देखा। मामला है बड़गढ़ जिला ओडिशा की रहने वाले एक परिवार का, जो आज छत्तीसगढ़ बरमकेला ब्लॉक के डोंगरीपाली बाजार में लोगों की भीड़ के बीच नाचते गाते दिखे। दोनों में नाचने गाने की अद्भुत ओडिशी संबलपुरी कला दिखी। उनसे जब पूछा कि उनके रहन सहन के बारे में तो दंग रह गए। उनका न कोई घर, न कोई जमीन, न कोई रोजगार। साल भर पहले दूसरों के आश्रय में जीवन यापन करते हैं। ऐसे असहाय इंसान के ऊपर सरकार की निगाहें क्यों नहीं जाती, ये सवाल बन के रह जाता है। डोंगरीपाली बाजार में खड़े हैं और यहाँ गाँव देहात के कलाकार हैं जो कि अपनी कला से लोगों का मन मोह लेते हैं। आपका नाम क्या है जी? सुरजा। सुरजा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? तेलुगु। तेलुगु से हैं? हाँ। एक गांव कौन से गांव से हैं? बरगढ़। बरगढ़ गांव से, उड़ीसा से हैं? हाँ। तो आप लोग डेली ऐसे बाजार बाजार घूमते हैं? हाँ। किस लिए घूमते हैं जी? आपके पास घर द्वार या फिर कुछ भी नहीं है? और आप अपना जो कला है केवल बाजारों में दिखाते हैं या फिर गांव-गांव जाकर दिखाते हैं? गाँव गाँव जाते हैं। तो एक तो छोटा सा गाना सुनाओ, ऐसे एक तो गाना सुनाओ। बरमकेला से सुवर्ण कुमार भोई की रिपोर्ट।